हेलो एवरीवन, वेलकम टू आज़ाद आईएएस एकेडमी। आज़ाद आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज़ाद आईएएस एकेडमी के बहुप्रतीक्षित ऑनलाइन बैच की एंट्री ओपन की जा रही है। काफ़ी समय से आप लोगों के द्वारा लगातार डिमांड आ रही थी, आप लोगों के फ़ोन कॉल आ रहे थे, आप लोगों के व्हाट्सअप मैसेज आ रहे थे, ईमेल आ रहे थे, है ना। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज़ाद आईएएस एकेडमी द्वारा ऑनलाइन बैच की एंट्री ओपन की जा रही है। ये ऑनलाइन बैच की एंट्री है किन के लिए? सबसे पहले 2020 में कंडक्ट होने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम, पीसीएस एग्ज़ाम, बिहार पीसीएस एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम, राजस्थान एग्ज़ाम, मध्य प्रदेश पीसीएस एग्ज़ाम, छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्ज़ाम, जितने भी हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस हैं उन सभी के लिए है। हम व्यापक और विस्तृत स्तर पर समान अध्ययन की जानकारी आप लोगों को देंगे। आने वाले समय में सभी स्टेट पीसीएस के टीचर्स आ चुके हैं हमारे पास और लाइव भी चालू करेंगे और उनके ऑनलाइन बैच भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो ऑनलाइन बैच है क्या? आमतौर पे ऑनलाइन बैच में क्रमबद्ध और सटीक तैयारी कराई जाती है, प्रॉपर नोट्स बनाने होते हैं, हर चीज़ के क्लास रिकॉर्डेड क्लास होते हैं। जो ऑफलाइन बैच की रिकॉर्डिंग होती है वही रिकॉर्डिंग ऑनलाइन बैचेस में भेजी जाती है और प्रॉपर कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। तो आज़ाद आईएएस एकेडमी के द्वारा बड़े स्तर पर ऑनलाइन बैच चलाए जाते हैं। आज 50 से ज़्यादा बैच आज़ाद आईएएस एकेडमी के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं और बहुत प्रॉपर तरीके से प्रतिदिन के स्तर पर क्लासेस भेजी जाती हैं। आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, यदि आप आज़ाद आईएएस एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर नहीं आ सकते, आप घर बैठे ही समग्र तैयारी करना चाहते हैं, तो एक विस्तृत व्यापक सटीक तैयारी आज़ाद आईएएस एकेडमी के द्वारा आपको करवाई जाएगी। कुछ नहीं बचेगा, है ना। और आप यदि हमारे साथ ऑनलाइन बैच के माध्यम से जुड़ेंगे तो आप तब तक हमारे साथ बने रहेंगे जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, है ना। तब तक का रिलेशन लेकर के हम स्टूडेंट का अपने साथ चलते हैं, यानी कि आप हमारे साथ तब तक जुड़े रहेंगे जब तक आप फाइनली सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे। प्रयास धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट का है। ऑनलाइन बैच में आमतौर पे हम क्लासेस भेजते हैं, कोशिश ये रखते हैं कि आप लोगों के ऊपर निगरानी भी रखें, लेकिन धीरे धीरे इस निगरानी के स्तर को हम बढ़ाने जा रहे हैं। आने वाले समय में हम ये भी कार्य करना चाह रहे हैं कि हम ऑनलाइन बैच के बच्चों को ऑफलाइन भी बुलाया जाए। कभी मतलब एक महीने बाद या दो महीने बाद या हर महीने हम एक मीटिंग रख सकते हैं, है ना। हर बैच को अलग अलग करके बुला सकते हैं, यहाँ पर उनकी पूरी बाकायदा काउंसलिंग अपने सामने कर सकते हैं, उनके नोट्स चेक कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जितने बैच हमारे पुराने हुए हैं, तो हो सकता है अब हमारी प्लानिंग चल रही है, ऑफलाइन में कार्य प्रारंभ किया गया है। ऑफलाइन में वैसे क्लासेस के साथ साथ बच्चों के साथ एक एसोसिएशन रहता है, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा मुझे कमी महसूस होती है, उसका भी प्रयास हम करेंगे। इसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग का कार्य ऑनलाइन बैच में अब प्रारंभ किया जा रहा है बड़े स्तर का, है ना। पहले भी प्रयास किया गया, हर क्वेश्चन जब भी एक टॉपिक पढ़ाया जाता है उस टॉपिक में आपको आंसर राइटिंग करने के लिए कहा जाता है। आप सभी को एक टेलीग्राम नंबर से भी जोड़ा गया है जो आंसर कही है, लेकिन अब वेबसाइट के माध्यम से भी हम आज़ाद आईएएस एकेडमी के द्वारा मेंस आंसर राइटिंग का प्रॉपर वर्क कराया जाएगा और उसका उत्तर भी लिखवाया जाएगा, ठीक है। तो एक बड़े स्तर की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं घर बैठे, तो आप आज़ाद आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं प्रोसीजर बता देता हूं। प्रोसीजर है, आपको कुछ फ़ोन कॉल करने होंगे या व्हाट्सअप करना होगा। आपको मैं कुछ नंबर दूंगा अभी, उन नंबरों पर आप फ़ोन कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप करने के बाद वो आपको सारी डिटेल भेजेंगे, आज़ाद आईएएस एकेडमी का प्रॉस्पेक्टस भेजेंगे और उससे जिस भी कोर्स में आप जुड़ना चाहते हैं, कोर्सों की आज एक बारे में मैं एक बार बता दूंगा कि कौन से कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से सिलेबस को हमने डिज़ाइन किया और किस प्रकार से आपका कंप्लीट कराएंगे। कोशिश यही है कि आपको इतना डिटेल पढ़ा दिया जाए, सारे सिलेबस को इतना आसान कर दिया जाए कि आपको कोई भी चीज़ कठिन न लगे। यदि आप बिगनर हैं, देखिए लगातार हिंदी मीडियम का रिजल्ट थोड़ा सा गिर रहा है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा थोड़ा गिर रहा है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है। मैंने एक वीडियो भी पब्लिश किया था जिसमें मैंने बताया था कि हिंदी मीडियम में रीज़न बहुत सारे हैं। एक तो हमारी पृष्ठभूमि भी ऐसी है, है ना। हमारे घर के लोग भी हिंदी मीडियम वालों के साथ, खासकर ये होता है कि कहीं ना कहीं पे एक फैमिली सपोर्ट बड़ा कम होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती हैं, जिस पृष्ठभूमि से हम पढ़े हुए होते हैं कहीं ना कहीं पे वो पृष्ठभूमि जाकर कंप्यूटर एग्जाम में सेट नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे रीज़न है, एक रीज़न नहीं है। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज़ाद आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन बैच के द्वारा एक व्यवस्थित क्रमबद्ध तैयारी की जाएगी। आप हमारे साथ साल से डेढ़ साल तक जुड़े रहेंगे और आपको एक अच्छा गाइडेंस देते हुए जब तक आप सेलेक्ट नहीं होंगे तब तक आप जुड़े रहेंगे। आपको महसूस होगा कि एक संस्था आपकी प्रॉपर केयर कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले बिना देर किए हुए मैं आपको आज़ाद आईएएस एकेडमी के जुड़ने का प्रोसेस बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको आज़ाद आईएएस एकेडमी के अन्य सारे विषयों के बारे में बताऊंगा, इसलिए अंत तक इस पूरी क्लास को आपको देखना है, ठीक है। चलिए आज़ाद आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन सेक्शन पर हम चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको कुछ नंबर देता हूँ। देखिए ऑनलाइन बैच को कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया है मेरे द्वारा, ठीक है।
तीन सेक्शन हमने बनाए हैं। एक सेक्शन बनाया है प्रीकम मेंस टॉपिक का, प्रीकम मेंस टॉपिक का, ठीक है। दूसरा सेक्शन हमने बनाया है मेंस ओनली के टॉपिक का, मेंस ओनली के टॉपिक का दूसरा सेक्शन है आपका मेंस ओनली के टॉपिक का। तीसरा सेक्शन है आपका आज़ाद इस एकेडमी के प्रीकम मेंस सेक्शन, मेंस ओनली के टॉपिक का। और तीसरा है ऑप्शनल सेक्शन, ऑप्शनल में ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जितने हैं केवल उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। आगे जो है एक सेक्शन है सीसैट का सेक्शन, सीसैट एंड करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स। ऑनलाइन बैच के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए तीन चार सेक्शन और हम ओपन करेंगे बहुत जल्द। एक तो कॉलिंग का सेक्शन हम ओपन करने जा रहे हैं, ऑनलाइन बैच से जुड़े बच्चे हमसे फ़ोन कॉल में भी बात कर सकते हैं, उनको नंबर दे दिया जाएगा। वैसे वो हमारे कांटेक्ट में रहते हैं जो भी हैं, कॉल कर रहे हैं दीपक जी के द्वारा बात होती है या फिर जो ऑनलाइन बैच पूरा हैंडल करते हैं उनके द्वारा उनसे बात होती है, तो उनके लिए कॉलिंग का सेक्शन बना रहे हैं कि आप लोग अपनी फैकल्टीज से बात करें। लाइव सेशन में ऑनलाइन बैच वालों को भी सम्मिलित होना है, क्योंकि मैंने बताया कि आज़ाद इस एकेडमी के सभी प्रोजेक्ट से जब आप जुड़ेंगे तभी आपको सारी चीज़ें की हो पाएंगी। पहले मैं आपको एक बार नंबर प्रोवाइड करा देता हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इसके बाद जो है क्योंकि उसी प्रोसेस के माध्यम से आप जुड़ पाएंगे। ये नंबर है कुछ, इन नंबरों पे आप या तो कॉल करेंगे या तो व्हाट्सएप करेंगे। दो सेक्शन है, कॉलिंग का सेक्शन है या व्हाट्सएप का सेक्शन है, ठीक है, कॉलिंग है या फिर व्हाट्सएप का सेक्शन है। आप कॉलिंग या व्हाट्सएप में से कुछ भी कर सकते हैं और इस सेक्शन के माध्यम से ही आप आज़ाद इस एकेडमी के माध्यम प्रॉपर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि व्हाट्सएप करके आप ज़्यादा जानकारी लें, क्योंकि व्हाट्सएप से ही आपको प्रॉस्पेक्टस और सारी चीज़ें भेजी जाएंगी। तो ये आपको नंबर मैंने दिए हैं, इन नंबरों को एक बार देख लीजिए। पहला नंबर आपका है 9625288989, फिर से एक बार नंबर बता दूं आपको 9625288989, ये सौरभ जी का नंबर है 9625288989। इस नंबर पे कॉल करेंगे आपको सारी जानकारी मिलेगी। दूसरा नंबर है दीपक जी का, ऑनलाइन बैच यही पूरा हैंडल करते हैं, ऑनलाइन डायरेक्टर भी हैं आज़ाद इस एकेडमी के, आप इनसे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। 9115269789, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दीपक जी आपको सारी जानकारी देंगे। 9115269789। तीसरा नंबर आपका है ये नंबर, ठीक है, ये नंबर है 8929821970, इस पे कॉल कर सकते हैं। अगला नंबर है आपका 9654306778 और अगला नंबर है आपका 8929821843, ठीक है। एक बार नंबर फिर से रिपीट करता हूँ, पहला नंबर है आपका 9625288989, नंबर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा ज़्यादा इस एकेडमी ऑनलाइन बैच के नाम से, और इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, सारी जानकारी मिलेगी। दूसरा नंबर है आपका 9115269789, इस पे कॉल कर लीजिए आप, ठीक। और तीसरा नंबर है आपका 9829821970, अगला नंबर है 9654309678, ठीक है, नंबर एक बार देख लीजिएगा 9654306778। ये अल्टरनेट नंबर है, यदि किसी में कॉल ना लगे तो दूसरे में कर दिए, सारे नंबर आपको सेव करने हैं। अगला नंबर है आपका 8929821843, ठीक है। और यदि कोई वेबसाइट के माध्यम से जुड़ना चाहे, वेबसाइट में भी आपका पेमेंट गेटवे है, वहाँ से यदि जुड़ना चाहे तो वेबसाइट के लिए एक नंबर है 7979827053 27, ये नंबर है आपका, ये वेबसाइट का नंबर है। तो प्रॉपरली आज़ाद इस एकेडमी के द्वारा ये आपको नंबर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ये नंबरों में ही आप कॉल करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे तो आपको, या मेल करेंगे तो मेल के माध्यम से भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। कोशिश कीजिए व्हाट्सअप ज़्यादा कीजिए, क्योंकि व्हाट्सअप के माध्यम से बहुत जल्दी और ज़्यादा स्तर पर वर्क किया जा रहा है। तो आप जो है व्हाट्सअप करिए, कॉलिंग करिए, आपको सारी पूरी कंप्लीट काउंसलिंग की जाएगी, आपको ऑनलाइन बैच के बारे में बताया जाएगा। वैसे यदि आप इसे लास्ट तक देखेंगे तो मैं काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर कर दूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन बैच 50 से ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है, बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर सेलेक्टेड कैंडिडेट ही हैं और प्रॉपर एक व्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आज़ाद इस एकेडमी के द्वारा एप्लीकेशन भी डेवलप किया गया है और बहुत जल्द लॉन्च कर रहे हैं। हमने लॉन्च किया था पहला एप्लीकेशन, लेकिन उस एप्लीकेशन को हम दूसरे सेक्शन पर क्रिएट कर रहे हैं, उस पर टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन जो है वहाँ पर ऐड करेंगे। टेस्ट सीरीज हो गया, मेंस आंसर राइटिंग पोर्टल हो गया, या फिर अदर जितने भी चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स, वो सारे सेक्शन वहाँ पर ऐड करेंगे। एक नया
नया अभी एप्लीकेशन आने वाला है आजाद एस एकेडमी प्लस, ठीक है। जैसे ही वो आ जाएगा आपकी क्लासेस उसके माध्यम से फिर चलाई जाएंगी। अभी आपकी जितनी भी क्लासेस हैं वो टेलीग्राम के माध्यम से चलाई जा रही हैं। टेलीग्राम में मैं आपको एक बार दिखाऊं तो आप खुद देख पाएंगे कि कितने बड़े स्तर पर बैच चलते हैं। ये सारे बैच ही हैं, ये अलग अलग इंडिविजुअल बैच बने हुए हैं प्रॉपर, ठीक है। अलग अलग इंडिविजुअल बैच बने हुए हैं, बहुत सारे बैचेज हैं, 50 से ज़्यादा बैच हैं, 52 बैचेज आपके बन चुके हैं और शायद आपका एडमिशन जो होगा भी वही 52, 53, 54, 55 ऐसे बैचेज हैं। और एक जब आप अभी ये बैच इंट्री ओपन भी हो रही है तो बहुत सारे लोगों के साथ सीन ये होता है कि फ़ोन नहीं उठ पाते हैं या वेटिंग में रहता है, तो मैं उनको इसीलिए कर रहा हूँ कि व्हाट्सअप पे कॉल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ऑनलाइन बैच के बारे में बता दूँ। ऑनलाइन बैच को मैंने कुछ ऐसा डिजाइन किया है, प्री कम मेंस, मेंस ओनली और सी सेट ऑप्शनल। ऑप्शनल दो अवेलेबल हैं, पहला ऑप्शनल है आपका हिस्ट्री ऑप्शनल, ठीक है। आप यदि हिस्ट्री कर रहे हो तो मेरे द्वारा डिटेल से हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, आप उसमें जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। मैंने विश्व इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मैंने आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, फिर मॉडर्न, फिर एंशियंट और मेडिवल, ये सारे टॉपिक में पढ़ाऊंगा। दूसरा सेक्शन आपका पबैट का है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, रावेन सर द्वारा बहुत अच्छे से पबैट के टॉपिक को कवर किया जा रहा है और डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। तीसरा सेक्शन है आपका सोशल वर्क का, ये सोशल वर्क अमन जी द्वारा करवाया गया है, जेएनयू स्टूडेंट हैं तो इनके द्वारा जो है सोशल वर्क करवाया जा रहा है, काफ़ी समय से ये टीचिंग में सक्रिय हैं। तो प्रॉपरली तीन ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे पास उपलब्ध हैं, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वर्क। आप इन तीनों ऑप्शनल को हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सोशल वर्क का कुछ सेक्शन मैं भी पढ़ा दूंगा, पेपर वन का जो सेक्शन है कुछ मैं भी पढ़ा दूंगा, बाकी सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। प्री कम मेंस में उन टॉपिक्स को रखा गया है जो टॉपिक प्री और मेंस में कॉमन है, जैसे हिस्ट्री प्री में भी आता है मेंस में भी आता है, पॉलिटी प्री में भी आता है मेंस में भी आता है, ज्योग्राफी प्री में भी आता है मेंस में भी आता है, इकोनॉमी प्री में भी आता है मेंस में भी आता है, एनवायरमेंट प्री में भी है मेंस में भी है। तो यहाँ पर वो सेक्शन है जो सेक्शन प्री और मेंस दोनों में आते हैं। यदि आप बिहार पीसीएस से हैं तो बिहार पीसीएस स्पेशल भी आपको पढ़ाया जाएगा, यदि आप यूपी पीसीएस से हैं तो यूपी स्पेशल भी पढ़ाया जाएगा, एमपी वालों के लिए बहुत जल्द फैकल्टीज आ रही हैं तो एमपी पीसीएस स्पेशल भी पढ़ाया जाएगा, यानी पर्टिकुलर स्टेट का स्पेशल का भी वर्क हम कराएंगे, ठीक है, कराएंगे। वो सारी है मेरे द्वारा मास्टर वीडियो भी दिए गए हैं, बिहार का दिया गया, यूपी का दिया गया है, एमपी का कमिंग सून है, बहुत जल्द आएगा। तो प्रॉपरली यहाँ पर बड़े स्तर का वर्क हम करेंगे। मेंस ओनली में वो टॉपिक है जो केवल मेंस में आते हैं, जैसे इथिक्स हो गया मेंस में आता है, इंटरनल सिक्योरिटी मेंस में आता है, इंटरनेशनल रिलेशन मेंस में आता है ना, साइंस एंड टेक मेंस में आता है, इंडियन सोसाइटी मेंस में आता है। तो मेंस में बहुत सारे टॉपिक हैं, एक दो टॉपिक नहीं है, उनको डिटेल से यहाँ पे इथिक्स इतना बढ़िया से, आईआर इतना बढ़िया से, साइंस एंड टेक इतना बढ़िया से, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से कराया जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, बस आपको करने का मादा होना चाहिए, आप करना चाहें तब, ठीक है। प्रॉपरली वर्क यहाँ पर कराया जाएगा, वीडियो आपके पास तब तक रहेंगे जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। अब देखो, एक हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना उन लोगों से है जो इसी बार अभी हाल फिलहाल के एग्जाम दे रहे हैं, जो एक महीने दो महीने के बीच में है, क्योंकि क्या होता है नोटिफिकेशन आते ही जोश बढ़ता है। तो यूपी पीसीएस 2019 को बहुत डरते डरते अंतिम बैच के रूप में हम इसे ले रहे हैं, यूपी पीसीएस 2019 वाले भी ले सकते हैं, ठीक है। और 19 वाले जो है थोड़ा सा उनको ज़्यादा क्लास लेनी पड़ेंगी। देखो अभी हम चार से छः घंटे की क्लास जाती है, यदि 19 के लिए जुड़ेंगे तो हो सकता है 10 घंटे की भी क्लास जाए। बात ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट हम करा देंगे, आप नहीं कर पाओगे तो क्या बेनिफिट है, प्रॉफिट तो तभी है ना कि जब आप सारी चीज़ों को कर लें और फिर जाएं आप एग्जाम हॉल पे, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे मेरा कहने का तात्पर्य है कि इसमें आपके द्वारा वर्क किया जाना बहुत अनिवार्य है, यदि आप वर्क नहीं कर रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा उसका, आपके द्वारा यदि वर्क नहीं किया जाएगा तो सब जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी चर्चा हो रही है ऑनलाइन बैच को लेके, मैंने प्री कम मेंस बताया, यहाँ पे वो टॉपिक है जो प्री और मेंस दोनों में, तो आप इसमें केवल जुड़ सकते हैं, यदि आप चाहें तो मेंस ओनली में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो सी सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी सेट के सेक्शन में भी जुड़ सकते हैं, आपको करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है इसी के अंतर्गत इंक्लूडेड है, ठीक है, अभी इंक्लूडेड है, उसमें कराएंगे, अलग से नहीं है करंट अफेयर्स, ध्यान रखिएगा। ऑप्शनल पेपर जो है आपका ये, आप इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ऑप्शनल, सोशल वर्क में भी जुड़ सकते हैं, प्रॉपर आपको कंप्लीट सारी चीजें कराई जाएंगी, ठीक है। अब आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, आप हमसे कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं, इसके लिए डाउट के लिए अभी तो बहुत जल्द एप्लीकेशन में डाउट बॉक्स बनवा दिया गया है, और अभी क्या है कि आप एक डाउट बुक बना के रखिए जिसमें अपने डाउट लिख के रखिए, और प्रॉपर जो है कभी ऑफलाइन आ जाइए, आपका गाजियाबाद में ही सेंटर है, वहां पर आपको 3 से 4 ये टाइमिंग होती है, इस टाइम पे मैं आपको मिल जाऊंगा या फैकल्टीज मिल जाएंगी, आप प्रॉपर उनसे जो भी डाउट हो पूछिए,
दिल खोल के पूछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आप पूछेंगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। वैसे 99% केस हमारे साथ ये है कि आपको डाउट होंगे ही नहीं, इतना डिटेल से चीज़ें करवाई जा रही हैं, डाउट नहीं होंगे। प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे, नोट्स बनाना इसलिए अनिवार्य है, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, है ना, स्पीड बढ़ेगी, आपके और भी बहुत सारे जितने भी कार्य हैं उसके द्वारा हो जाएंगे। तो ऑनलाइन बैच एक व्यापक तरीके से तैयार किया गया है, ये कोर्स में लगभग मान के चलिए कि 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ आएंगे, और ये वीडियो डेली बेसिस होंगे। डेली बेसिस इसलिए होंगे, हम चाहें तो एक बार में भेज दें, लेकिन डेली बेसिस इसलिए ताकि आपको ये फील हो कि आपकी कोई यहाँ पर फिक्र करने वाला है, जो दिन प्रतिदिन यहाँ पर सोचता है और आपको क्लासेस भेजता है। इसलिए हम कभी भी इकट्ठा वीडियो नहीं देंगे, ना देना चाहते हैं, ठीक है। तो बस 19 वालों का लिए अंतिम बैच है, इसलिए इसी बार जुड़ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, ठीक है। और प्रीकम मेंस में जुड़ें, और मेंस ओनली में, केवल मेंस ओनली में ना जुड़ें। सबसे पहले आप एंट्री लें प्रीकम मेंस में, फिर एंट्री लें मेंस ओनली में, या फिर कंप्लीट ले रहे हैं तो दोनों लें। दोनों में पैरेलल क्लास चलेंगी, समानांतर क्लास आएंगी, आपको दोनों को करना पड़ेगा, दोनों के लिए टाइम बनाइए। शेड्यूल मैंने वैसे बनवा दिया है, शेड्यूल के लिए एक वीडियो पब्लिश हुआ था, और वो वीडियो आपके ऑनलाइन बैच में भी मिल जाएगा। देखो ऑनलाइन बैच में पहले प्रॉपर आपका वर्कशॉप सेशन होगा, जैसे ही आप जुड़ेंगे पहले आपको एक मैसेज होगा कि आपका ऑनलाइन बैच में स्वागत है। इसके बाद फिर आपको एक नंबर दिया जाएगा कि ऑनलाइन बैच से में आपको कोई डाउट होता, कोई प्रॉब्लम होती है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। इसके बाद प्रॉपर वर्कशॉप सेशन होगा, जैसे ही जुड़ेंगे वर्कशॉप सेशन देखेंगे, वहाँ पे 4 नहीं 6 नहीं 8 नहीं 10 नहीं 12 13 वर्कशॉप सेशन डाले गए हैं, सभी देखिए। सारे वर्कशॉप सेशन में आपका दिमाग खुल जाएगा, गंदगी निकल जाएगी दिमाग से। हिंदी मीडियम वालों के साथ सबसे बड़ा सीन है कि गंदगी है बहुत सारी। क्या गंदगी है? कि कुछ होता नहीं है, रिजल्ट नहीं आते, क्या कारण है, वहाँ पे सब बताया गया। यूपीएससी के प्रॉपर सारी जानकारी मैंने दी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है उसके बारे में भी बताया जाएगा। फिर प्रॉपर क्लासेस चालू हो जाएंगी, पहले भूगोल से क्लासेस चालू होंगी, भूगोल कराया जाएगा, फिर आपका पॉलिटी के क्लास चालू होंगी तो पॉलिटी कराया जाएगा, फिर ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री चालू होगी, हिस्ट्री करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उधर जो है IR हो गया, फिर आपका इथिक्स हो गया, फिर इंडियन सोसाइटी, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, उधर क्रम से दोनों तरफ क्लासेज आएंगी, आप दोनों को करेंगे, डाउट आएगा तो डाउट क्लियर करेंगे, सब कुछ होगा, कुछ नहीं बचेगा आपका। लगभग आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान शायद ऑनलाइन बैच कर देगा, बस ये समझ लीजिए। घर बैठे भी किसी भी तरीके का ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपको कोई गाइडेंस नहीं मिला, ठीक है। तो ये ऑनलाइन बैच के नंबर हैं, एक बार फिर से मैं इनको आपको बता देता हूँ, इन नंबरों पर एक बार आप कॉल कर लीजिए प्रॉपर, तो आपको जो भी समस्या है वो समस्या का भी समाधान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये नंबर है आपके 9625288989 9115269789 8924980178 8929821843, ये आपके 5 नंबर हैं। और वेबसाइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो एक नंबर आपका यहाँ रहेगा, मेल वगैरह से भी आपको चीज़ों को बता दिया जाएगा। तो प्रॉपर बेस पे मैं चाहता हूँ कि आप सभी कम समय में, देखो ये ना हो बाद में सीन क्रिएट हो, ये टाइमिंग सिर्फ बड़ी लिमिटेड आवर के लिए समय है, और समय सिर्फ और सिर्फ आपको मान के चलिए कि 25 से चालू हो रहा है सेशन, तो आपका 29 को बंद कर दिया जाएगा। बाद में फिर ये होता है आप रिक्वेस्ट करते रहते हैं, तो 25 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल तक की कहानी है ये, 29 अप्रैल तक आप ये सेशन प्रारंभ करेंगे तो आपको बैच मिल जाएगा, नहीं तो बैच क्लोज हो जाएगा, ठीक है। क्लोज इस कारण से क्योंकि फिर आप बहुत लेट क्लासेज हो जाती हैं, ठीक है, तो इसलिए टाइम से जुड़ जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो फिर इंतजार कीजिएगा जब आगे की एंट्री हो। और अब एंट्री जो होगी 2020 वालों के लिए ज़्यादा होगी, 19 के लिए लगभग धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कोर्स ऐसा नहीं हो सकता कितने बड़े लेवल का कोर्स हम कम समय में करा पाएं। मैं क्रैश कोर्स पे या फिर शॉर्टकट नोट्स पे इस पे विश्वास नहीं करता, प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, और वर्कशॉप सेशन पे यही चीज़ें बताई जाएंगी। वर्कशॉप सेशन सुनने के बाद हो सकता है आपको खुद क्लियर हो जाए कि कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। वहाँ पे पूरी बुक लिस्ट भी बताई जाएगी, वो सारी बुक्स भी आपको लेनी होगी, सब कुछ बताया जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपको, ठीक है। तो चलिए प्रॉपर बेस पे ये जो जानकारी मुझे देनी थी मैंने आपको दिया, अब मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग जो है ऑनलाइन बैच में जल्द से जल्द एंट्री ले लेंगे और अपना कार्य जो है कंटिन्यूअस करेंगे, ठीक है। चलिए अभी कोई भी यदि ऑफलाइन सेंटर में आना चाहे तो यहाँ पर भी आप गाज़ियाबाद आ सकते हो, रेलवे स्टेशन के पास ही हमारा ऑफलाइन सेंटर है, यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी ऑफलाइन के लिए जब बैच ओपन होंगे तो आपको प्रॉपर बता दिए जाएंगे, जो यहाँ पर आकर ही पढ़ना चाहते हैं उनको भी प्रॉपर बता दिया जाएगा, आप आ सकते हैं, आपका स्वागत रहेगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाकी ऑनलाइन बैच वालों को एक चीज़ और, आप लोगों का जो मेन संसार राइटिंग पोर्टल है वो रेडी हो चुका है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस पोर्टल का लाभ उठाएँ, उसका बेनिफिट लें, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।